फैला हुआ है। जो सोनाक्षी जैन हुमा क्रेशी है वो इस बॉडी शेम के शिकार होती हैं। कैसे वो इनसे डील करती हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी आते हैं, वो सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। पर मैं एक चीज कह दूं यार, ये मूवी देखते समय ना यार मैं ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं ला पा रहा था इस मूवी के लिए। जैसे कि बहुत पहले मूवीज आती थी, जैसे कि ड्रीम गर्ल आती है, बाला मूवी आई थी, ये जो सारी मूवीज थी ये ना इंटरेस्ट भी पैदा करती थी और साथ में कॉमेडी भी एलिमेंट बहुत ज्यादा अच्छा देती थी। पर इस मूवी में आपको यार इन सब की बहुत ज्यादा कमी लगेगी और ये आपको एक सम शॉर्ट ऑफ यार एक ओटीटी फिल्म टाइप लगेगी। और इस मूवी के साथ दो बड़ी मूवीज भी रिलीज हुई हैं, मिली एंड फोन बूथ। तो अगर आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं ना तो यार लिटरली आप डबल एक्सल को तो लिटरली चूज नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। एंड यार मेरे हिसाब से मुझे ये मूवी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही ज्यादा ड्रैग फील होता है, सेकंड हाफ में तब भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है और आपको पता है यार लास्ट में क्या होने वाला है। बहुत ही प्रिडिक्टेबल मूवी थी। मैं तो इस मूवी को 2.5 स्टार दूंगा 5 में से। मैं नेक्स्ट मूवी की बात करूं तो वो है मिली मूवी, जिसके लीड रोल में जानवी कपूर है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था इस मूवी के लिए, क्योंकि इसका ट्रेलर बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था। मतलब कि एक कोल्ड स्टोरेज रूम में एक बंदा बंद हो चुका है और उसके बाद वो वहां से कैसे निकलेगा, बाहर आवाज भी नहीं जा रही है, बाहर कोई नहीं है, इनके फैमिली मेंबर्स कैसे ढूंढेंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाग रहा था ये मूवी देखने के लिए। पर जब यार ये मैंने मूवी देखी ना तो लूटू भी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ गुड मूवी यार। एग्जीक्यूशन अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग तक भी यार मुझे जानवी कपूर की बहुत अच्छी लगी। बात आ जाती है स्टोरी की यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आपको पता है लास्ट में क्या होने वाला है, जैसे कि डबल एक्सएल मूवी में आपको पता था। यार जो भी सीन्स कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो शूट करे गए हैं और जो भी जानवी कपूर की एक्टिंग है वो कैसे वहां पर सर्वाइव करती है, वो देख के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। एंड साथ में जो उसका लव एंगल है, जो उसका बॉयफ्रेंड है वो दूसरी रिलीजन का है, जो उसके पापा उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ मतलब मैरिज करने के लिए, वो सीन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह एग्जीक्यूट करे गए हैं। टू बी वेरी उन्हें फर्स्ट हाफ अगर हमने सर्वाइव कर लिया तो सेकंड हाफ तो बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा मुझे। यार मिली मूवी को तो मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब मैं थर्ड मूवी की बात करूं जो सबसे पहले मैंने देखी थी पर इसका लास्ट में रिव्यू कर रहा हूं, वो है फोन बूथ, जिसके लीड रोल में ईशान सिद्धार्थ एंड कटरीना कैफ है। टू बी वेरी उन्हें इट्स अ फन मूवी, मतलब कि आपको कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा, पर यार मजा आता है देखने में। बहुत सारे व्हाट्सएप जोक्स है और बहुत सारे ऐसे जोक्स है जो आप पहले सुन चुके हैं, पर जब ईशान और सिद्धार्थ उनको दिखाते हैं मतलब ऑन स्क्रीन जब हम देखते हैं लिटरली मजा आ जाता है वो चीज देख के। एंड जब यार कटरीना कैफ की एंट्री होती है वो एंट्री भी बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। उसके बाद जब जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है, कटरीना कैफ जैकी श्रॉफ का क्या रिलेशन है, वो उससे क्यों डरती है, जैकी श्रॉफ क्या करना चाहता है, तो यार वो सब देखने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। यार स्टोरी लाइन की बात करूं, स्टोरी लाइन में ज्यादातर कॉमेडी ही डाली गई है। मतलब कि जैसे कि धमाल सीरीज थी, टोटल धमाल की बात करना चाहूंगा, जैसे टोटल धमाल में आपको दिमाग नहीं लेके जाना होता यार, बस जाके फन है, फन मूवी है, जाके आप फैमिली के साथ देखो मजा आएगा, वैसे ही ये मूवी है। यार फोन बहुत समझ के ये मत समझ लेना कि भूत शब्द है तो आपको कुछ स्केरी मूवमेंट दिखेंगे, यार कोई भी स्केरी मूवमेंट नहीं था। हाँ भाई एक दो सीन्स थे जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा डर लगता है, पर ज्यादा कुछ ऐसे जंप स्केयर्स या स्केरी मूवमेंट्स नहीं थे। पूरी मूवी एक कॉमेडी के उसमें अराउंड करती है। फर्स्ट हाफ ठीक ठाक है पर सेकंड हाफ बहुत ही ज्यादा ऑसम लगाया। फोन बूथ को तो मैं यार 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। अगर मैं आप रिकमेंड करूं तो सबसे पहले मैं फोन बूथ को रिकमेंड करूंगा, सेकंड मिली को रिकमेंड करूंगा एंड थर्ड डबल एक्सएल को रिकमेंड करूंगा। आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना और प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।